भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का आयोजन दुर्ग के बीआईटी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभागार में मतदाता जागरूकता को लेकर मुख्य निर्वाचन का संदेश सुनाया गया। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर, संभाग आयुक्त और एसएसपी सहित अन्य उपस्थित हुए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25 जनवरी 2024 को 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 के आयोजन को लेकर दुर्ग के बीआईटी कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोग द्वारा 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस हेतु टीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य निर्वाचन भारत सरकार के अधिकारी द्वारा देश के मतदाताओं के नाम एक संदेश भी सभी उपस्थित लोगों को सुनाया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, संभाग आयुक्त एसएसपी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने अपनी जानकारी मीडिया को दी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब मुख्य अतिथि थे। तो कलेक्टर महोदय की प्रेरणा से ये कार्यक्रम यहाँ सुचारू रूप से चला। इसमें हमारे जो जितने भी मतदाता हैं उनको ये प्रेरित किया जा रहा है कि आगामी चुनाव में शत प्रतिशत वोटिंग करें, और हमने भी उनको आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी समस्याएं उनका निराकरण करेंगे, चाहे वोटिंग कार्ड बनाने में हो चाहे किसी और प्रकार की समस्याएं। तो हमने सभी नए युवा मतदाता और सभी से यही अपील की है कि अधिक से अधिक मतदान कर, इस जो हमारी डेमोक्रेसी है इसके जो त्यौहार है इलेक्शन है उसको सफल बनाएं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम अभी बीआईटी के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ है। इसमें हमने जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका एपिक कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम हुआ है। हमारे बीएलओज ने, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में और अभी जो एसएसआर हुआ उसमें बहुत अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित किया गया है। और हमारे मुख्य अतिथियों के द्वारा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर के संदेश का यहाँ पर वाचन किया गया है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपने सभी मतदाताओं से और विशेषकर जो शहरी क्षेत्र में हमारे नवीन मतदाता हैं उनसे आपके माध्यम से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ करके आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करें और अपनी सरकार के गठन में अपना योगदान जरूर दें।